राज्यपाल एनएन बोहरा को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बने कुछ दिन ही बीते थे। आज़ाद ने 7 जुलाई 2018 को राज्य विधानसभा में विश्वास मत की वोटिंग से पहले ही अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। एनएन बोहरा के कार्यकाल में पहली बार 174 दिन के लिए राज्यपाल शासन लगाया था। राज्यपाल शासन 5 जनवरी 2009 तक चला, जब उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्य विधानसभा के चुनाव का परिणाम 23 दिसंबर 2014 को घोषित हुआ था, लेकिन किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। उमर से कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कहा गया। वह 7 जनवरी 2015 तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहे। उसके बाद बोहरा के समय में दूसरी बार राज्यपाल शासन लगा। जम्मू कश्मीर में 26 मार्च 1977 को पहली बार राज्यपाल एल के झा के समय में उस समय राज्यपाल शासन लगाया गया, जब कांग्रेस ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। वर्ष 1975 में इंदिरा शेख समझौते के तहत शेख मोहम्मद अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने थे। उस समय 105 दिन के लिए राज्यपाल शासन लगा था। दूसरी बार राज्यपाल शासन मार्च 1986 में उस समय लगा था जब कांग्रेस ने जीएसआई की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। 286 दिन का राज्यपाल शासन उस समय समाप्त हुआ जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से समझौता हो गया। तीसरी बार जनवरी 1990 में उस समय राज्यपाल शासन लगाया गया, जब फारूक ने जगमोहन को राज्यपाल बनाने के लिए विरोध में त्याग पत्र दे दिया। यह सबसे लंबी अवधि का राज्यपाल शासन था, जो 6 वर्ष 264 दिन रहा। चौथी बार राज्यपाल शासन अक्टूबर 2002 में लगा, जब किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। 2 नवंबर 2002 को मुफ्ती मोहम्मद सईद के नेतृत्व में पीडीपी कांग्रेस गठबंधन सरकार बनी और 15 दिन का राज्यपाल शासन समाप्त हुआ। SPN 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।